राजीव राजा हम होता और मुझसे ये सब बताते तो हमारे साथ जरूर देता दादा, पर न जाने आप क्यों नहीं दे रही। हमारे पास अभी युवा नहीं है, मैं बच्चे को कोई लालच नहीं, युवराज के बिना अब हमारा किसी चीज में कोई मन नहीं लगता। इस बच्चे को दुनिया में होना चाहते हैं कृष्णा के लिए। आसान नहीं है दादी, लेकिन फिर भी हम करेंगे। शायद हम भूल गए पर हमें याद है, सोमू ने अपनी जान युवान के लिए दी थी और आज बात उसकी बेटी की खुशियों की, और हम पीछे नहीं हटेंगे दादी। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, इस बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए। अपनी बच्ची को माँ बनते हुए देखना चाहते हैं, प्लीज देखने दीजिए। युवराज का अंश है, युवराज का अंश है। हम समझ ही नहीं पाए, हमें ये लगा कि वो हमें शर्मिंदा करने के लिए बार बार हमें ये कह रही। सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ सोच रही। बहुत अच्छा ट्विस्ट है एक्चुअली। दादी इसी गलत फहमी में थी कि भाई एक इस उम्र के पड़ाव में आकर के ही बच्चा पैदा करना चाह रही है, क्या हो गया इसको। उनको बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि दादी के लिए हमेशा एक अपने बिरला परिवार की इज्जत, घर की इज्जत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि हर कोई आता था ताना मार के चल जाता था, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज जब सुहानी ने फेस टू फेस कन्फ्रेंस किया कि वो किस लिए करना चाह रही, दादी सोच ही नहीं पाई कि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, ये किस लेवल तक सोच गई और कहाँ तक जा रही है। ये जो ट्विस्ट आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड यू ऑल विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस।